सो गाइस हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदनान है और ये आपका फाइनेंशियल फैंटम टेक्निकल। सो आप मुझे जानते ही हैं, हम यहाँ पे टपल शुरू कर रहे थे और अब हम इसके अंदर लास्ट टॉपिक कवर अप कर रहे हैं एंड देन फिर उसके बाद हम डिक्शनरी से प्रोसीड करेंगे। सो टपल्स हमारे जैसे कि चल ही रहा है, हम उसको आई कंटिन्यू करते हैं। टपल सबको पता है इम्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चेंजिंग टपल। तो टपल को हम चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि टपल को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन फिर लिस्ट से वापस उसे टपल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम किसी चीज को चेंज कर सकते हैं। चेंज करना और ऐड करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, सो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए टपल्स आर इम्यूटेबल, ये तो हमको पता ही है। फिर ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है, और मैंने जो आपको बोला था वही सब नीचे लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं फिर भी अगर पढ़ाता हूँ, टपल्स आर इम्यूटेबल देन, बट इफ वी वॉन्ट टू चेंज सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज चेंज करनी है टपल के अंदर, देन वी हैव टू चेंज इट इंटू अ लिस्ट एंड देन कन्वर्ट बैक इंटू अ टपल। सिंपल सी बात ये थी कि पहले लिस्ट में कन्वर्ट करोगे आप उसे, देन फिर उसको टपल में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज टपल इम्यूटेबल है मगर लिस्ट म्यूटेबल है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे कोड लिखा हुआ मैंने, सिंपलेस्ट कोड है। तीन चीजें ले ली, तीन एलिमेंट, बॉल हो गया हमारा, बैट हो गया एंड वन हो गया। सो यहाँ पे हमने कोड देख रहे थे, बॉल बैट एंड वन है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, एक वाई नाम का एक डिक्लेयर करा वेरिएबल, देन उसके अंदर हमने लिस्ट ऑफ एक्स करके लिख दिया। उपस जो है मतलब यहाँ पे हमने टपल बना रखा था, ये जो था हमारा टपल था, इसको हमें लिस्ट के अंदर करना है, तो हमने क्या लिखा, लिस्ट और देन टपल का नाम, जो भी आप यहाँ पे टी लें, टी वन लें, कुछ भी एबीसीडी जो भी आपकी मर्जी, आप वो लेके बना लें ऊपर, फिर उसके बाद वो करें। देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं नीचे। नीचे जैसे आप लिस्ट के अंदर हम कैसे करते हैं, हम इंडेक्स डालते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इंडेक्स मुझे कुछ चेंज करना है, तो जो से भी इंडेक्स मुझे चेंज करना है, हम क्या कहते हैं उसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं वो इंडेक्स, एंड देन इक्वल टू में जो भी, जहाँ पे जैसे मुझे बॉल था, बॉल के अगर मुझे वन लिखना था तो मैं डायरेक्टली वन लिख देता हूँ, सिंपल सी बात ये। देन उसके बाद एक्स इज इक्वल टू टपल ऑफ वाई। अब वाई जो क्या था, यहाँ पे हमने वाई को क्या लिस्ट बना दिया, यहाँ पे हम इसको वापस टपल बना रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने लिखा था पहले इनटू अ लिस्ट एंड देन कन्वर्ट बैक इनटू अ टपल, सो ये बात चलेगी। देन फिर हम प्रिंट कर देंगे एक्स, तो हमारा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम चाहेंगे वो आउटपुट डिजायरेबल हमारा आ जाएगा। वैल्यूज आपको अपने आप इनपुट करनी है, सिंपलेस्ट छोड़ है, आप इसको रन करके मैं आपको अभी इसको दिखाऊंगा अभी, बट फिलहाल हम आगे प्रोसीड करते हैं, फालतू में वीडियो को बड़ा करने का फायदा नहीं है। देन उसके बाद चेकिंग इफ एन आइटम एक्सिस्ट इन टपल और नॉट, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इसके लिए सिंपल आप इन स्टेटमेंट का यूज करेंगे, टू डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट इन अ टपल और नॉट, वी यूज इन यूज करेंगे। अब इन कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कोड है, कोड को देख लीजिए, सिंपलेस्ट कोड मैंने लिख रखा है, जैसे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चल क्या रहा है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, ये रहा आपका कोड, एक्स एक टपल बनाया, बॉल बैट एंड वन अगेन देन। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कहा था इफ कंडीशन लगाई चेक करने के लिए, इफ इसको डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट डबल कोट्स के अंदर लिखा इन एक्स, यानी बॉल जो है इन एक्स, यानी एक्स के अंदर है कि नहीं है, अगर है तो प्रिंट करो यस, एल्स प्रिंट करो नो। इफ एल्स तो हमने कर ही रखा है, तो हमें तो बहुत सारी चीजें देखनी बात है, तो ये हमें अपने आप बता दिया क्या होगा, आउटपुट आपका येस आ जाएगा बिकॉज बॉल है, अदरवाइज अगर आप टू थ्री यहाँ पे डाल दें कुछ इसे कर दें देन नो आ जाएगा आंसर, सिंपलेस्ट। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे एड एडिंग आइटम्स इन टपल। अब मैंने वहाँ पे क्या कराया था, चेंज चेंज करना है भाई आइटम्स को, अब यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने भी यार वही प्रॉब्लम आती है यार, हम लोगों ने पढ़ा है टपल भाई इम्यूटेबल, तो इसमें ऐड हम कैसे कर सकते हैं, ऐड के हम लिस्ट की फॉर्म में बना कैसे कर सकते हैं, ऑफकोर्स हम इसे कर सकते हैं। कैसे, लिस्ट के अंदर आपको याद होगा एक इंसर्ट फंक्शन होता है, क्या इंसर्ट फंक्शन, ये जिसके अंदर आप क्या करते हो, इंसर्ट फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे इंडेक्स डालते हो, और यहाँ पे जो भी आपको डालना होता है, मतलब मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ एलिमेंट, जो भी आपको एलिमेंट डालना होता है आप ऐसे करके लिख देते हो, और लिस्ट जो भी होती है उसका लिस्ट एल, मान लिया मैं लिस्ट में लिस्ट डॉट इंसर्ट ऐसे करके आप लिख देते हो, सो ये आपका कर देता है काम। अब हम दिखाते हैं, देखिए वंस अ टपल इज क्रिएटेड वी कैन नॉट ऐड आइटम्स टू इट, हमें पता है टपल्स इम्यूटेबल होते हैं जो मैंने बोला, बट वी कैन ऐड आइटम बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ लिस्ट एंड देन वी यूज इंसर्ट फंक्शन एफएक्स, ये जो है ना फंक्शन इंसर्ट फंक्शन, मैथ्स जिन्होंने पढ़ी हुई तो बहुत सारे टीचर्स एफएक्स ऐसे करके यूज करते हैं, तो मैंने भी यूज करा इंसर्टिंग इन लिस्ट, सिंपलेस्ट। सबसे पहले भाई ये देखो, मैंने तो यहाँ पे एक चीज गलत कर रखी है, क्या कर रखी है, मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट का ही कोड दिखा रखा है लिख के, बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंड यूज करें, थोड़ा सा अपना एक कोड क्रिएट करना चाहें, टी मान लें कुछ, ठीक है टी मान लिया, देन उसके बाद वहां पे राउंड ब्रैकेट्स लिए, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वैल्यूज आपने इनपुट करा दी, देन उसके बाद एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, फिर उस एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर आपने क्या करा, इसको लिस्ट लिस्ट फंक्शन का, जैसे हमने लिस्ट बनाई ऊपर लिस्ट करके यहाँ पे क्या लिख दिया, टी लिख दिया, लिस्ट बन गया। अब जब लिस्ट बन गया तो इसके अंदर क्या करा आपने, एक्स डॉट इंसर्ट लगा दिया, एक्स डॉट इंसर्ट लगा दिया। अब एक्स डॉट इंसर्ट लगाने के बाद यहाँ पे आपने मैंने इसे टू और सेम ही डाल दिया है, टू मतलब इंडेक्स और एस एस डालता हूँ सेम के लिए, एस डाल दिया मैंने, इसको बंद कर दिया और देन प्रिंट करा दिया एक्स को, प्रिंट करेंगे एक्स को,
को हमें टपल चाहिए आउटपुट, तो इसको प्रिंट नहीं कराएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वाई लेंगे और वाई इज इक्वल टू टपल के अंदर क्रिएट करना है भाई लिस्ट को, टपल ऑफ किसका करना है, टपल एक्स का बनाना है, एक्स का बनाना है, तो इसे देना आप यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे वाई को, मैं लिख नहीं रहा हूँ वो स्टेटमेंट, मैंने आपको एक जस्ट एक कोड बना के बता दिया ये कैसे होगा। अब देना हम इसको इरेज करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं फॉरवर्ड। देन ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक, डिलीट आइटम्स इन आवर टपल। अब डिलीट करना आइटम्स भाई, फिर वही स्टेटमेंट की बात आती है, इट इज नॉट अलाउड टू रिमूव अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ टपल बिकॉज इट इज इट्स इम्यूटेबल। इम्यूटेबल है भाई, तो अलाउड नहीं है, हटा ही नहीं सकते, ना चेंज कर सकते ना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लिस्ट करके डिलीट कर सकते हैं, हाँ वो पॉसिबल होता है, बट यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम, बट वी कैन डिलीट द होल टपल यूजिंग डेल स्टेटमेंट। ये जो डेल स्टेटमेंट है, यहाँ पे इन लिखा है, यहाँ पे डेल लिखा है, इवन आपने माना राम सीता 1 3 करके एक कपल, उसको प्रिंट कराया, देन डेल T1 करा, डिलीट हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। ठीक है, और फिर ये स्टेटमेंट रन कर गई। ठीक है, बट इस स्टेटमेंट को मत देखो, अभी मत देखो, क्यों नहीं देखो, एरर दे जाएगा, यहाँ पे एरर आएगा आपका। एरर ऐसा क्यों आएगा, इसकी वजह मैं आपको बताऊं, जब आप यार एलिमेंट यहाँ डिलीट कर चुके हो T1, मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट तो यही प्रिंट में क्या कुछ, आप बता रहे हो कि यार ये वेरिएबल प्रिंट करो, ऐसा कुछ कह रहे हो नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हटा दिया हमने और लिखा T1, तो ये डायरेक्ट आपको पाईचार्म या जो भी आपका कंपाइलर है उसके अंदर एरर शो करेगा, और एरर बकायदा दिखाएगा कौन सी लाइन नंबर पे, देखो यहाँ पे से 5वीं लाइन पे, तो 5वीं लाइन नंबर पे एरर दिखाएगा कि T1 एग्जिस्ट नहीं करता है ही नहीं, ऐसे करके दिखाएगा। सो गाइस अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अब मैं डायरेक्ट कोड प्रोसीड करता हूँ जिससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो। सो गाइस अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम था वो था चेंजिंग करने का, चेंज करना मतलब आइटम्स को कैसे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हमें चेंज करना है, ऐड नहीं करना है कि मतलब कोई आइटम इंसर्ट करना, इंसर्ट नहीं करना है, हमें जस्ट एक चेंज करना है। चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने T1 नाम का एक टपल बना रखा है, उस टपल को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने वाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर मैंने लिस्ट लिखा, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, तभी मैं बहुत फास्टली मूव ऑन कर रहा हूँ, इससे हमें ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हमने वाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसको लिस्ट बना लिया टपल को T1 को, देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई के अंदर हम यार इंडेक्स पे जाते थे और चेंज करते थे, अब मैंने कहा यार दूसरे इंडेक्स पे जाओ और चेंज कर दो, वहाँ पे क्या लिख दो, वहाँ पे जाओ लिख दो अदनान नाम, लिख दो अदनान नाम वहाँ पे लिख दो, देन उसके बाद आओ और एक्स इज इक्वल टू टपल बना दो। अब टपल क्यों बनाना है, क्योंकि हमें अपना आउटपुट जो है टपल में चाहिए ना, सो दैट्स वाई हम इसलिए ये यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे टपल ऑफ वाई कर दिया, देन फिर प्रिंट करा दिया हमने, प्रिंट कराने के बाद हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम एक्स प्रिंट कराएंगे। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, शिफ्ट F10 दबाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे गाइस, अब जीरो जो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, और सेकंड इंडेक्स पे 4 है, तो यानी 4 की जगह पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से पहले 4 था, हाँ जी अदनान आ गया उसकी जगह। सो गाइस हम आगे मूव ऑन करते हैं, हम बाकी का डालते हैं, टपल तो हमें चाहिए तो इसमें रहने देते हैं, देन चेक करना है कि कुछ एग्जिस्ट करता है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की नहीं, तो मैं लगाई डायरेक्ट इफ कंडीशन, इफ के अंदर मैं लिखा नाम, इसे मैं लिख दिया राम, राम, और इसके लिए मैंने क्या बताया था स्टेटमेंट इन, इफ राम इन T1 अगर है तो प्रिंट करा दो यस, यस प्रिंट हो जाएगा, ऑफ कोर्स यस प्रिंट हो जाएगा बिकॉज है, जस्ट अ सेक, देन उसके बाद एल्स, एल्स के अंदर प्रिंट करा दो नो, अब भाई नहीं है तो ऑफ कोर्स ही बात है हम नो ही प्रिंट कराएंगे, देन यहाँ करा शिफ्ट F10, भाई है ये यस आ गया, राम के ऊपर यस है, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू डालूँ जो पॉसिबल ही नहीं है, देन मैंने यहाँ पे अर्ली 100 है इसके अंदर कि नहीं, रन करा, नहीं है भाई, नो लिखा आ गया डायरेक्ट से, हमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। अब मैं इसको प्रोग्राम को हटा रहा हूँ, वो हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके या वो करके देख सकते हो, फिलहाल मैं फिलहाल आगे मूव ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो अदरवाइज टू लेंथी हो जाएगा। देन इसके बाद जो हमें प्रोग्राम करना था वो था ऐड करने का, ऐड करने मैंने आपको क्या कहा था, इसमें एक इंसर्ट फंक्शन का यूज़ होगा, इंसर्ट फंक्शन यूज़ होगा, सबसे पहले जो भी टपल दिया टपल ले लिया, हाँ भाई टपल ले लिया, उसको क्या करा लिस्ट में कन्वर्ट। अब लिस्ट में हमने जब उसे कन्वर्ट किया, लिस्ट में T1 को हमने कन्वर्ट कर लिया, देन फिर उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे वाई डॉट इंसर्ट, वाई जो है लिस्ट है, अब इंसर्ट क्या करेंगे इसके अंदर, इंसर्ट के लिए दो पैरामीटर डालने पड़ते हैं इंसर्ट फंक्शन के अंदर, पहला इंडेक्स, इंडेक्स में यार चलो आपके लिए 3 ले लेता हूँ, 3 ले लिया, और उसके बाद तीसरा इंडेक्स जो होगा ना हमारा वो होगा 5, जहाँ पे 5 लिखा हो तीसरा इंडेक्स होगा, ठीक है, वहाँ पे मैंने कहा यार इंसर्ट करो क्या, अदनान इंसर्ट कर दो, मैं अपना नाम इंसर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट चीज़, ठीक है, लिस्ट चल रहा है, लिस्ट को भाई से हमने किया टपल में कन्वर्ट। अब भाई ये चीज़ देखने वाली है, अब क्यों देखने वाली है, आपको याद रखना है कि आपको टपल में ही आउटपुट लाना है, आपको लिस्ट में ही लाना आउटपुट, आपको प्रिंट टपल करवाना है, देन उसके बाद आया यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ये आ गया अपना टपल एक्स। अब इसको रन करके देखते हैं शिफ्ट F10 से, ये देख लीजिए मैंने क्या कहा था 5 से पहले आ जाएगा, हम कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, हम कोई चेंज थोड़ा ना कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कुछ और डाल दो, हम तो ऐड कर रहे हैं, तो भाई क्या करा 1 2 4 0 1 एंड 2,
जीरो वन एंड टू एंड थ्री, थर्ड एलिमेंट पे मैंने क्या कहा था, थर्ड इंडेक्स में मुझे चाहिए, थर्ड इंडेक्स पे नान आ गया, वो फिर वो एक आगे बढ़ गया फाइव और राम, ठीक है यार ये भी आउटपुट ठीक है। अब आता है यार कि डिलीट करना है कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है, या हमें टपल को पूरा डिलीट, टपल को पूरा डिलीट करना है, इसके लिए डेल नाम की स्टेटमेंट यूज होगी, हम सबको पता है। ओके बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें रन करके दिखाता हूँ, जैसे टी वन हो गया, इसको प्रिंट करोगे टी वन आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल टी वन आ जाएगा, बिकॉज टी वन ऊपर ही हमने बना रखा है, टपल टी वन टपल आ जाएगा। देन उसके बाद फिर हमने कहा यार डिलीट कर देंगे तो डेल स्टेटमेंट से टी वन को, अब यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट आफ्टर डिलीशन, आफ्टर डिलीशन, ओके आफ्टर डिलीशन करा। अब यहाँ पे दोबारा, अब मैं यहाँ पे इतना ही रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है भाई, जैसा मैंने कहा था प्रिंट टी वन चलेगा, बिल्कुल चला, ठीक है आफ्टर डिलीशन लिखा गया भाई, क्यों आफ्टर डिलीशन भाई, एक हम जस्ट एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर हम कोई चीज कहते कि यार इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करो देन कोई प्रॉब्लम होती, प्रॉब्लम होगी, अब क्यों होगी, अब हम करेंगे प्रिंट टी वन, जस्ट टी वन को प्रिंट करो, कंट्रोल एस करो शिफ्ट एफ टेन, ओके ओके एरर आ गया भाई। अब भाई ये एरर क्यों आया, इस एरर की वजह क्या है, अब देख लीजिए लिखा क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, टी वन इज नॉट डिफाइंड नेम एरर, भाई ऐसा क्यों लिखा है आप, बिकॉज टी वन जो है हमने डिलीट कर दिया तभी हमें ये एरर शो हो रहा है, अदरवाइज ये एरर हमें शो नहीं होता। सो अब यहाँ पे आप देखिए कुछ बार इसको ना, कुछ कंपाइलर्स के अंदर क्या होगा मैं बताऊँ आपको, जैसे ये देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको तीन चार बार मैंने इसको रीरन करा तो इसमें क्या वो ये ऊपर लिखा आ गया और देन फिर ये नीचे आगे लिखा हुआ नेम टी वन इज नॉट डिफाइंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसा हो जाता है आउटपुट के अंदर, कंपाइलर और उन सब पर डिपेंड करते हैं। तो खैर बट हमारा जो मेन मोटिव ये है वो टी वन के अंदर एरर देगा, जब अगर डिलीट के बाद टी वन को प्रिंट कराओगे, बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो नेम एरर दे देगा, नॉट डिफाइंड कर देगा, ठीक है गाइस। सो ये वीडियो यहीं ओवर होता है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एक और बात है कि अब हम डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से, मे बी डे आफ्टर टुमारो मैं देख लूँगा आपको एक वीडियो लाने के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।